Hello friends, welcome to Unacademy Rise. This is me, Dr. Sidharth Arora. And in the continuation of summary course of Laxmikanth for Polity, aaj ka topic is Supreme Court. Now, when I'm looking at the Supreme Court as a topic, iska to koi anti nahi hai. Because if you understand this, right, the entire thing is about judiciary, okay, will be related to Supreme Court. Entire thing about public interest litigation, judicial review, you name it, sara ka sara to Supreme Court hi hai, right? So what is we doing? So it this topic can go on for on and on and on. So instead of that, main sirf confine karunga with regards to the topic, the subheadings and the topics that are given in Laxmikant. Okay. There is n number of possibilities of studying Supreme Court, n number of good and bad things that are happening with judiciary, n number of controversies, n number of new developments in the judicial system, as well as a very important part, the landmark judgments. ये सारे पार्ट सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ सकते हैं ओके ट्रांसफर ऑफ मैटर्स मास्टर ऑफ द रोस्टर कंट्रोवर्सी इफ यू रिगार्ड्स टू एनजेएसी तो हम लोग इस टॉपिक में वी आर ओनली कन्फाइनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ और एज पर द नीड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज गिवन इन लक्ष्मीकांत ओके सो दिस विल बी प्राइमरली फोकसिंग ऑन दिस बुक दिस इज अबाउट मी आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट तो ये मेरे घर की बात वाला टॉपिक हो गया Right, and then this is the plus course, my friends. Waqt aa gaya hai that you take a final call or you take a very important and a very quick call on ki tum is exam ko kitna seriously le rahe ho aur kitna tumhe percentage lag raha hai that tum without kisi help ke kya tum ye exam manage kar sakte ho ya nahi. So the time has come that you decide on this part. सी सितंबर 2019 का मिड चल रहा है सेकेंड वीक चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मई एंड में एग्जाम है नाउ डू यू और डू यू नॉट नीड समबडी टू हेल्प यू आउट तुम बहुत मेहनत कर रहे हो बट दिस एग्जाम इज अ रिक्वायरमेंट देयर इज एन एक्सपर्टीज रिक्वायरमेंट हियर एक्सपीरियंस के साथ क्या पहले पूछा जाता है कितने लेवल तक आंसरिंग करनी है क्या करेक्ट आंसरिंग है क्या नहीं है सो ऑन एंड सो फोर्थ Everything is required with this part. Now, अगर तुमने अभी तक कोई और कोचिंग नहीं ली है या you're not decided, this plus platform can be a beautiful, beautiful chance for you. Plus platform पर use करते हुए plus platform पर आपके पास सारे best of the educators of India के plus courses available होंगे मेरा अपना course होगा polity का ऐसे history, socio, geography. सबके प्लस कोर्सेज होंगे अब तुम इस प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेते हो जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे के सारे प्लस कोर्सेज सारे के सारे टीचर्स के ऑल द सब्जेक्ट प्रिलिम से लेकर ऑप्शनल तक के तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाते तुम कोई भी इनमें से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो कितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स डाउनलोड कर सकते हो कितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स आप डाउट्स पूछ सकते हो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव एन एग्जाम सेंट्रिक टेस्ट सीरीज जो कि रेगुलर बेसिस पे पूरा 12 महीना कंटिन्यूअसली होता चले जाएगा सो यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम दिस तरह से तुम्हें मेरे कोर्स दिखाई देंगे ऐसे ही दिस इज द कोर्स लाइक फॉर एग्जांपल कोर्स ऑन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पॉलिटी अलॉन्ग विद दैट यू विल सी मेनी अदर कोर्सेज बाय मेनी अदर एजुकेटर्स नाउ ये सब कुछ अवेलेबल कितने पे ये सब कुछ अवेलेबल है एट 35,000 रुपीज For an entire one-year course, ₹35,000 में ये तुम्हें सारे courses available होंगे लेकिन इसमें भी पैसे बचाओ Use this code SID. Press apply button. Congratulations, you have a 10% immediate discount. उसी तरह से two-year course shall be available to you at ₹56,000. Use this code SID. Press apply button. Immediately you will get a 10% discount. 50,400 में तुम्हें ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट तुम्हें अगर इससे ज्यादा कुछ पावरफुल इफेक्टिव या एफिशिएंट मिलेगा आई विल बी वेरी डाउटफुल ऑन दिस पार्ट सो सब कुछ ऑल द सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं है ऑल द सब्जेक्ट अवेलेबल टू यू एट दिस प्राइस अब सुप्रीम कोर्ट मैंने तुम्हें बोला है इस वीडियो में वी विल कन्फाइन टू द स्ट्रक्चर एज गिवन इन लक्ष्मीकांत इसके बारे में यू कैन हैव डिटेल्ड स्टडीज बट डिटेल्ड स्टडी राइट नाउ वी कैन नॉट गो ऑन दिस पार्ट इट्स नॉट पॉसिबल ऑन अ यूट्यूब वीडियो बट लेट्स ट्राई दिस इंडिया का जुडिशियल सिस्टम इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड
जुडिशियल सिस्टम. व्हाट डज दैट मीन? इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मतलब सारे कोर्ट्स, पहले इंटीग्रेटेड समझ लेते हैं, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर. इन अदर वर्ड्स, दिस इज द सबॉर्डिनेट कोर्ट जिसे लोअर कोर्ट्स बोलते हैं, हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट. अगर तुम्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट की कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, गो टू द हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट में भी नहीं अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम, गो टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड ऑल ऑफ देम फॉलो सेम जुडिशियल प्रिंसिपल्स. ओके, दे विल फॉलो द सेम जुडिशियल प्रिंसिपल्स. दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, राइट, देन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स. मैंने क्या बोला? डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स. एंड द हाई कोर्ट ने जो कोई डिसीजन ले लिया, तो द डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन दैट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर विच दैट हाई कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड. इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट. क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंट. अगर ऐसा ना हो ना, तो हर देयर विल बी नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ. ओके, कोई क्या डिसाइड करेगा, कोई क्या डिसाइड करेगा, एंड देयर विल बी क्योस. हमें क्योस नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए. ये तो हो गया सर इंटीग्रेटेड. सर ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि ऑल दो जब मैं केस करता हूं, तो मैं यूनियन ऑफ इंडिया पे केस करता हूं, या स्टेट पे केस करता हूं, या स्टेट ऑफ राजस्थान पे करता हूं, स्टेट ऑफ पंजाब पे करता हूं, बट आर्टिकल 12 के डेफिनेशन के हिसाब से स्टेट है. तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि ऑल दो टेक्निकली स्पीकिंग या थ्योरेटिकली स्पीकिंग स्टेट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी आता है, लेकिन फंक्शनली स्पीकिंग मैंने एक चीज नोटिस की है कि सर ये जो जुडिशरी है, इसको कम से कम इतनी इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए ना कोर्ट्स को, कि अगर वो फैसला स्टेट के खिलाफ देना चाहे तो वो दे दे. इन अदर वर्ड्स, इट इज अ फंक्शनली सेपरेटेड, इट्स फंक्शनली अवे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट, ऑल्दो इट इज स्ट्रक्चरली एज अ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट. तो बहुत सारे अभी तक ये जजमेंट्स बड़ा क्लियरली मेंशन होते जा रहे हैं दैट while delivering justice, judiciary should not be included as part of the state, but for administrative function, it should be considered as a part of the state. Ye zaruri hai in order to maintain an independent judiciary, varna to unbiased nahi hoga. So I hope you are understanding, the rule of law hi khatam ho jayega. So the point here is, we have an independent integrated judicial system. Ab humne bola, yaad hai hame ye wala diagram? हमने बोला था देयर शैल बी वन सुप्रीम कोर्ट. अब वन सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, बिकॉज ये पिरामिड स्ट्रक्चर है, तो सबसे ऊपर जो है दैट इज वन सुप्रीम कोर्ट. और ये वी आर डीलिंग विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 124 से 147 में सब कुछ डिफाइंड है, स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सैलरी अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एडहॉक जजेस, टेम्पररी जजेस, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जुरिसडिक्शन, रेट पावर्स, रूल ऑफ द लॉ, अपने पावर, आर्टिकल 145, मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस. इन अदर वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स है, क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज बीइंग डेल्ट अंडर आर्टिकल 124 टू 147. नाउ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो एज आई सेड आई एम कीपिंग कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू लक्ष्मीकांत विद रिगार्ड्स टू दिस पार्ट, अगर मैं इसमें देख लूं तो आई विल नोटिस that appointment of the judges is given under article 124. okay, to appointment of the judges mein thoda sa khatarnak chakkar hai. chakkar kya tha? article 124 says every judge of the supreme court shall be appointed by the president, but in consultation with the chief justice of india. ab gadbad ye hai ki jo word tha consultation, is consultation ko aap interpret kaise karoge? okay, what is the effect of this word called as consultation? Bahut arguments hue, there were many arguments with this regards to this. Iska reason kyun hai sir, itna kyun argument karna padta hai? Iska argument karne ka ek reason hai. Reason ye hai kyunki mujhe maintain karna hai independent system. Agar tum bolte ho president ke consultation mein, president is appointing the judiciary, तो कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि द स्टेट इज गोइंग टू बी हैविंग अ बिग से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी. तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उनकी इंडिपेंडेंस पे डाउट होने लग जाएगा. नाउ 19th
73 केशवानंद भारती जजमेंट के बाद कुछ गड़बड़ हुआ. देर वॉज अ सुपर सेशन. ओके, देर वॉज अ सुपर सेशन बाय द देन प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी की एडवाइस पर जस्टिस ए एन रे को सुपरसीड करा के वी मेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जैसे ये सुपर सेशन हुआ केशवानंद भारती जजमेंट में के बाद, तो अचानक पूरा का पूरा इंडिया में ये फोकस आने लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस चल रही है. अगर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ज्यादा हो गई तो रूल ऑफ लॉ गड़बड़ हो जाएगा, आर्टिकल 50 वायोलेट होने लग जाएगा. तो हम लोगों ने इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए 3 जजेस केस देखे. द फर्स्ट ऑफ दिस जजेस केस वॉज एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस, राइट, डेल्ट विद की कंसल्टेशन का क्या इफेक्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि नहीं नहीं नहीं, दिस कंसल्टेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द प्रेसिडेंट. सो अपॉइंटमेंट इसमें कंसल्टेशन इज मियरली कंसल्टेशन, इट हैज नॉट गॉट बाइंडिंग इफेक्ट. जब ये हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट जजेस केस. फिर आया सेकेंड जजेस केस विच इज द स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. नाउ स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमने एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया. दिस वॉज 1993 जजमेंट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया. उन्होंने बोला जुडिशियल मैटर्स आर प्राइमल अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी. इन अदर वर्ड्स, ये मेरे घर का मामला है. इन अदर वर्ड्स, जुडिशरी इज लाइक अ प्राइमल मैटर्स, जुडिशरी इज लाइक अ फैमिली, राइट, एंड इट इज नॉट एक्चुअली स्ट्रिक्टली अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट. तो भाई तुम इतको है ना, इतना एग्जीक्यूटिव और सीजीआई को आप एक जैसे नहीं मान सकते, बिकॉज ये प्राइमल मैटर है, इट इज विद इन द हाउस, ओके, इट इज आवर फैमिली मैटर. सो यू कैन नॉट कीप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी के टाइम पे आप एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी को सेम लेवल पे नहीं रख सकते. इन अदर वर्ड्स, वी हैव गिवन राइज टू वॉट इज कॉल्ड एज कोलेजियम सिस्टम. सो दिस वॉज द सेकेंड जजेस केस विच स्टार्टेड गिविंग और विच गेव बर्थ टू वॉट इज कॉल्ड एज द कोलेजियम सिस्टम. नाउ came the third judge's case. अब third judge's case actually case ही नहीं था, वो case नहीं था, वो एक presidential reference था. So article 143 में तब then president श्री के आर नारायणन साहब ने ये presidential reference किया कि ये collegium function कैसे करेगा. तो it was decided that this collegium also will function as a democratic body. So this will be a multi-membered collegium instead of a single man like CGI. So in other words, from first judge's case to the third judge's case of 1998, we developed what is called as collegium system. बड़े खुश हुए, ओहो वाह वाह वाह, अब ठीक है, अब executive interference नहीं होगा, अब judiciary ही एक तरह से recommend करेगी, and judiciary will keep an eye कि कौन judge बनेगा, and the recommendations will come and the presidents will say yes, and we will have primal affair. Okay, हम judiciary का मामला खुद ही एक दूसरे के बीच में निपटा रहे. हमें लगा बहुत अच्छी प्रॉब्लम होगी, अब एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, बट ऐसा भी नहीं हुआ. ओके, देयर वर नाउ एलिगेशंस कि फेवरेटिज्म स्टार्ट हो रहा है. ओके, जजेस आर अपॉइंटिंग और कोलेजियम इज बीइंग रेफर्ड टू रेफरिंग नेम्स ऑफ दोज पीपल हु आर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर. तो कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का रिलेटिव है. ऑल्दो इतना ज्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी इट वॉज ब्रॉट अप एट अ वेरी हाई लेवल कि यार लगता है फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ये सब चल रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला यार डियर जुडिशरी, तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा ना कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हो रही है, हमें ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि सब कुछ जुडिशरी कर रही है, तो मिडल वे बनाते. मिडल वे बनाने के लिए उन्होंने बनाया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एंड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसमें आर्टिकल 124 को अमेंड किया टू क्रिएट 124A, और इसमें बोला दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट इन कंसल्टेशन विद NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो कि एक 6 मेंबर्ड बॉडी होगी, जिसमें 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे. जैसे ही हमने इसका स्ट्रक्चर देखा तो हमने नोटिस किया नॉन जुडिशियल मेंबर्स में 1 यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे कंपलसरी, देयर विल बी 2 मेंबर्स एक्स एंड वाई बोल देते जो विल बी एमिनेंट पर्संस, जिनको एक 3 मेंबर्ड पैनल अपॉइंट करेगा, और 3 मेंबर्ड पैनल में प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा होंगे एंड सीजीआई होंगे.
Judicial members mein, you can have the CJI and two such judges as per the recommendations of the CJI. Jab humne ye notice kiya, toh hum soche ye sahi hai. Okay? You are almost taking everyone. Executive ho gaya, legislative ho gaya, plus ye X and Y, mujhe malum hi nahi who are these two eminent persons. This was challenged. कि माय लॉर्ड इस तरह से तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चले जाएगी. आर्टिकल 50 इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और केशवानंद भारती में हमने ऑलरेडी बोल लिया कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. सो द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज चैलेंज. ओके, इट वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस टाइम इन 2014-2015 एंड 2015 में सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड यस एनजेएसी एंड The 99th Constitutional Amendment Act are violative of Article 50, which is separation of judiciary from the executive, and therefore we struck it down and made it null and void. In other words, that if you don't like executive interference, if you don't like judicial role, you cannot create a fun part with the entire Constitution. The Constitution has to be obeyed like it is. Article 50 is very clear about it. Separation of judiciary from the executive nahi hua, to rule of law khatam ho jayega, game will be over. So we don't want to mess up with that. So ye puri story hone ke baad, we are back to the collegium. Ab thankfully, collegium kaise function karega? Collegium function karega by what is called as memorandum of procedure. So ek memorandum of procedure, ek protocol bana diya gaya hai, jisko follow kiya jayega. Okay, that is the best way. Abhi tak, In this country, we have not yet followed any other principle. Aaj, we are following that collegium will be appointing, will be recommending the name of the judges. Wo recommendation president saab ke paas jayega, lekin you will follow what is called as memorandum of procedure. So, this is the best that we can come to right now. Of course, there could be better ways out. Lekin aaj tak ka decision ye hai. Ab, Supreme Court ka jurisdiction. What is jurisdiction? Ki Supreme Court mein aap का एक्सटेंट ऑफ पावर क्या है. नाउ फॉर अ सिटीजन, फॉर एन इंडिविजुअल, सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं देता इन केस ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि द फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस आप जा सकते हो इफ देयर इज वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 32 व्हिच गिव्स यू रिट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ओपन है. लेकिन इंडिविजुअल की तो ये हाल है. लेकिन द सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जब भी सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है या फिर सेंटर स्टेट स्टेट डिस्प्यूट होता है. तो मेरे को ऐसा लगा यार मैं नहीं जा सकता, व्हाई कांट आई गो. ओके, मैं एज एन इंडिविजुअल, मुझे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अवेलेबल नहीं है तो मेरे लिए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा काम का नहीं है. नहीं बेटा, बहुत ज्यादा काम का है. व्हाई? सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो मैं अवेलेबल नहीं है लेकिन ऑल द काइंड्स ऑफ मैटर्स कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. इन अदर वर्ड्स, इट इज द हाईएस्ट एपलेट कोर्ट. उसी तरह से एक और ज्यूरिसडिक्शन जो अभी अभी हमने की भी थी, प्रेसिडेंट केआर नारायणन साहब की, जो मैंने बताया था आर्टिकल 143 में, The Supreme Court also has got the power of advisory. This is called advisory jurisdiction. So, President Saab can put forth a question of interpretation of the Constitution to the Supreme Court under Article 143. Similarly, abhi ye to tumhe malum hai, Article 32, which deals with writ powers, that is habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. Now, ab chakkar kya tha ki jab Supreme Court बनाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. हमारा प्लान यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा और इट विल प्राइमरली बी डीलिंग विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन हुआ कुछ और, इतना ज्यादा क्लॉगिंग ऑफ मैटर हो गए बिकॉज ये सारे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टॉप हो जाने लग जाते थे. सो ऑल्दो द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ अब हमने बढ़ा दी है फ्रॉम 30, पहले 31 थी, अब इट हैज बिकम 34, लेकिन स्टिल इट इज वेरी लो. It is very low. So, the number of matters which are pending in the Supreme Court are very high, right? Now, ek cheez humne Supreme Court mein kiye. Now, this is something that you should know. Aap agar High Court mein appeal karna chahte hai na, to as a matter of right karo, koi tension nahi. Lekin agar aap Supreme Court mein matter leke jaate ho na, to it is not a matter of right.
तुमको एक आर्टिकल 136 की स्पेशल लीव पिटिशन पहले सुप्रीम कोर्ट में डालनी पड़ती है. सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होगा दैट इट रियली रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो अलाउ करेंगे. अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में आप अपना मैटर लेकर नहीं जा सकते, इवन इन अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन. एक और तरीका है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का कि हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफाई, हाई कोर्ट का जज खुद ही सर्टिफाई कर देते हैं अंडर आर्टिकल 134A दैट इट इज अ मैटर विच शुड विच रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. एंड इन माई ओपिनियन, हुज ओपिनियन, जज का ओपिनियन, किसका जज, हाई कोर्ट के जज के ओपिनियन दैट दिस मैटर शुड बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो ही तुम मैटर लेकर जा सकते हो टू द सुप्रीम कोर्ट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ज्यूरिसडिक्शन. तो इसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन बाय स्पेशल लीव और अपील बाय स्पेशल लीव. सो अपील बाय स्पेशल लीव इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136. अब हमारे यहां पर अगर तुम आर्टिकल 142 देखो, जब मैं तुम्हें फर्स्ट फर्स्ट वीडियोस बताए थे ना, तो मैंने तुम्हें बोला था लॉ को भी है ना एक तरीका होता है. लॉ हैज टू बी रिटन कॉम्प्रिहेंसिबल एंड क्लियर. ओके, जैसे आजकल मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट का बड़ा चर्चे हो रहे, ट्रैफिक चलान बहुत ज्यादा हो गए, तो मैं कल एक ट्रैफिक चलान बना देता हूं. ओके, मैं ट्रैफिक चलान बना देता हूं कि इफ यू आर ड्राइविंग फास्ट, ओके, इफ यू आर ड्राइविंग फास्ट तो देयर विल बी चलान. और सर ऐसा मत लिख देना, क्योंकि फास्ट को डिफाइन करो. व्हाई? इफ यू आर ड्राइविंग अबव 100 देन देयर विल बी चलान, इफ यू आर ड्राइविंग अबव 50 देन देयर विल बी अ चलान. उसी तरह से कुछ वर्ड सुप्रीम कोर्ट में बड़ा स्ट्रांगली दिया हुआ है. अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा पावरफुल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 में कुछ और ही लिखा हुआ है. उन्होंने लिखा हुआ है दैट एनी सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी डिक्री, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन एटसेट्रा, एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस. से द वर्ड विच दे थिंक इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस. भाई ये कंप्लीट जस्टिस क्या होता है? ओके, जस्टिस तक तो मुझे समझ में आया था, ये कंप्लीट जस्टिस क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट जहां मर्जी की ज्यूरिस्डिक्शन यूज कर सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि फॉर कंप्लीट जस्टिस मुझे कोई ऑर्डर पास करना है, कोई डिक्री पास करना है, सुप्रीम कोर्ट को यह अलाउड है. एंड बिकॉज ऐसी वर्ड्स यूज किया हुआ है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू रियलाइज दैट इट गिव्स प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पावर्स टू योर सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है, इनफैक्ट अगर आप नॉर्मली नोटिस करो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन मोर पावर्स देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिकली एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट प्रोबेबली विद एक्सेप्शन ऑफ यूएसए. इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ इट्स एक्सट्रीम अनलिमिटेड पावर इज आर्टिकल 142. फिर आर्टिकल 141 सेज इट शैल बी डिफाइनिंग द लॉ ऑफ द लैंड. एवरी ऑर्डर, एवरी डिग्री, एवरी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द एंटायर कंट्री. इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द लॉ ऑफ द लैंड. अगर ये होगा ना, तो तुमने देखो कनेक्ट करना सीखो, पॉलिटी कैसे कनेक्ट करते. सो आर्टिकल 141 में ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ द लैंड विद रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट. और रूल ऑफ लॉ, अगर तुम्हें डाइसीस रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में लिखा था, तो याद है वहां पे एक वर्ड था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. तो भाई प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट इंडिया में है क्या? हाँ है ना. कैसे पता चल रहा है? 141 में कहां लिखा हुआ है? 141 में दैट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड शैल बी एनफोर्स एनीवेयर इन इंडिया. इसका मतलब है वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ एंड वी बिलीव इन प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं आर्टिकल 129 से, सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इसका मतलब क्या है? इसके दो कॉन्सेप्ट्स है. वन, एवरी जजमेंट, एवरी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज एन ऑटोमैटिक एविडेंशियरी वैल्यू. मुझे इसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे विटनेस ने बुलाना. इट हैज ऑटोमैटिकली एविडेंशियरी वैल्यू एंड इट विल हैव एन इफेक्ट ऑफ प्रीसिडेंस, ओके, और अथॉरिटी ऑन ऑल अदर कोर्ट्स. नंबर वन. नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती है टू पनिश फॉर एनी कंटेम्प्ट. ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 से पावर्स डिराइव्ड है. दो तरह के कंटेम्प्ट है, वन इज सिविल कंटेम्प्ट, वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट इज विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तीन चार पार्ट्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ जस्टिस, स्कैंडलाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी और डिक्रीजिंग द रेप्यूटेशन ऑफ द जुडिशरी.
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में क्रिमिनल कंटेम्प्ट में यू कैन ऑल्सो बी पनिश 6 months की सिंपल इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन पॉसिबल है विद रिगार्ड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इसीलिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर्स है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है ना. एक बात और याद रखना, ऑल्दो मैं ये कहीं पर और भी पढ़ाया जा सकता है बट फिर भी याद रखना, इवन द हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बट द हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड. सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर एंटायर इंडिया. फिर हमने बोला रिट पावर्स, तुम्हें याद होगा मैंने ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है. सो आर्टिकल 32 सेज दैट वी हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज व्हाट इज कॉल्ड एज राइट टू प्रोटेक्ट राइट्स. जब तक आर्टिकल 32 नहीं है तब तक फंडामेंटल राइट सिर्फ लिखा हुआ है, वो वर्ड गारंटी का कोई महत्व ही नहीं है जब तक यू डू नॉट हैव द रिट पावर्स. सो द रिट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन अंडर आर्टिकल 32 जो खुद में एक फंडामेंटल राइट है. इन अदर वर्ड्स दिस इज अ राइट विच इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ ऑल्सो. सो यू नाउ नोटिस, अगर पूरा ये स्ट्रक्चर समझ में आया तो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. The independent and integrated judicial system starts from the apex court, Supreme Court, fair high courts, and then a large number of subordinate courts. So what is the summary? As per our structure, it is the highest appellate court, it is the apex court, it is being dealt under Article 124 to 147, and it is the custodian of the Constitution of India. Supreme Court nahi, to Constitution ko protect karne wala koi, sorry, custody karne wala, bachane wala koi nahi. In other words, this is the huge effect of having an independent, strong, unbiased judicial system. Bola jata hai, the strongest pillar of democracy is the Supreme Court. Okay. So now, my friends, I hope you understood this. On a YouTube video, this is the best that I could share with you part. Okay. But please remember, Supreme Court is a headliner. Okay. Almost every second day, tumhe Supreme Court newspaper mein headlines mein dikhai deti hai. Okay. So many other things can be done with Supreme Court. I hope to see you on the Plus platform when we can deal with these topics in far more detail. Use this code SID, press apply button, you will get a 10% discount. For a 2-year course, this shall be available to 50,400 and for 1 year, it shall be available at 31,500. I hope, my friends, you have enjoyed this video. If you're done, kindly like, share and subscribe. Until next time, God bless. Thank you.